हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम इसमें क्लास 11 की यूनिट नंबर 3 कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरिओडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। इन आवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन डिटेल एंड देयर ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, आइदर आयनाइजेशन एन्थैल्पी जिसको हम बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एन्थैल्पी? तो हम कहते हैं कि सपोज करो आपके पास कोई भी एटम है, ये आपने एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो शो किया है, और यहाँ पे हम सपोज करो सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं, इन सेल्स में जो है वो आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू क्या करता है, इससे अटैच होता है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस अपने साथ क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी सप्लाई करते हो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एन्थैल्पी। ओके, आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या है? जो आपकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इट इंटू अनायन, सॉरी कटायन में होता है। आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या है कि कोई भी आपके पास जो एटम है उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एन्थैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। और उससे जो आपका एटम होता है वो एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, कटायन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो एम एक मेटल है, जो जिसको मैंने किस में लिया है, गैसियस स्टेट में लिया है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मेटल एम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। तो अब इस मेटल ने जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकला तो हम यहाँ पे कुछ जो है वो एनर्जी सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको कहते हैं आयनाइजेशन एन्थैल्पी एंड आई और यहाँ पे एच, क्योंकि इससे आप रिप्रेजेंट करते हो आयनाइजेशन एन्थैल्पी। एन्थैल्पी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एच। तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी के लिए हम यहाँ पे ये वर्ड ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एन्थैल्पी कहते हैं। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एन्थैल्पी की जो यूनिट होती है, तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी की जो यूनिट होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेज़र करते हैं हम, या फिर आप कह सकते हो किलो कैलोरी पर मोल, इसमें भी हम मेज़र कर सकते हैं। आइदर आप उसको किलो जूल पर मोल में भी क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। जो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या एनर्जी होती है, आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वन वोल्ट जो आपका पोटेंशियल होता है, उस वन वोल्ट पोटेंशियल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे बोलते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसके जो है आपके क्या सिंबल है, डेल्टा आई एच। अब इसी में आयनाइजेशन एनर्जी में हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एन्थैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एन्थैल्पी।
सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैंने मेटल लिया, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, डेल्टा आई एच दिया, वन दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया एम पॉजिटिव, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। फिर मैंने क्या किया, जो एम पॉजिटिव था उसको फिर से मैंने आयनाइजेशन इनथैल्पी जो है वो और दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम टू पॉजिटिव में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। ऐसे ही जो एम टू पॉजिटिव था उसमें फिर से हमने आयनाइजेशन इनथैल्पी जो है लगाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये थ्री वाला आ गया, हो गया एम थ्री पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा निकल गया। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है कॉन्टिन्यूशन में, मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी जो हमें चाहिए होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे जो है लगातार जो होती है उसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इनथैल्पी। यानी कि किसी भी एटम की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन इनथैल्पी बोलते हैं, सेकेंड को निकाला तो सेकेंड आयनाइजेशन इनथैल्पी बोलते हैं, थर्ड को निकाला तो थर्ड। ये जो लगातार वाली आयनाइजेशन इनथैल्पी होती है उनको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन इनथैल्पी। अब इसमें से इनथैल्पी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी थर्ड वाले की, उसके बाद होगी सेकेंड वाले की, और सबसे कम वैल्यू होती है फर्स्ट वाले की। ऐसा इसलिए होता है कि अगर यहाँ पे अगर मेटल न्यूट्रल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं तब आपने एनर्जी दी, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यहाँ पे इसमें और ज़्यादा बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स उतने टाइटली हेल्ड होते हैं तो उनको निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए थर्ड वाली सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंड वाली, और यहाँ पे फर्स्ट वाली सबसे कम होगी। तो इस तरह से क्योंकि जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को उतना टाइटली जो है वो अपने साथ बाउंड करके रखता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन इनथैल्पी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें आपके फैक्टर हैं, जो पहला फैक्टर है दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है। सेकेंड फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर को वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थर्ड क्या है, पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है आपका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको बोल देते हो आप, आपने पहले भी इसके बारे में करा हुआ है, आप इसको सिंपली बोल दो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है, इनर इलेक्ट्रॉन का, जो इनसाइड वाले होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट। और फिर फिफ्थ वाला जो इफेक्ट है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें से हम एक एक फैक्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आयनाइजेशन इनथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ये होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई विच न्यूक्लियस बाइंड इलेक्ट्रॉन। बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना। कि न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स होता है जिस फोर्स से जो आपका, अगर आप एटम के अरेंजमेंट देखते हो तो ये आपका बीच में न्यूक्लियस है और साइड में जो है ये सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ बाइंड करके रखता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत टाइटली बाउंड होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो उनको वहाँ से निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हो हायर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द आयनाइजेशन इनथैल्पी, आयनाइजेशन इनथैल्पी।
मीन्स आप कह सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जब हम पीरियोडिक ट्रेंड में जाते हैं और राइट टू टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड चलता है वो हमें बाद में डिस्कस करेंगे, ये आप जो है वो इसका यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद जो सेकेंड वाला फैक्टर है वो सेकेंड फैक्टर क्या है आपका, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है जिससे एटॉमिक साइज क्या करता है इंक्रीज करता है। सपोज करो कि अगर जो एटम का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा तो क्या होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर जो एटॉमिक साइज होगा वो लार्ज होगा तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी आपकी, लो होगी। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज करती है जैसे जैसे साइज क्या करता है इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सेल ये लिया, फिर मैंने क्या कहते हैं दूसरा वाला लिया, फिर मैंने एक और एटम लिया जिसके पास नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है न्यूक्लियस से सेल की जो आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के पास होते हैं और टाइटली बाउंड होंगे, फिर उनको बाहर निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज घटता चला जाएगा और जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस फर्मली हेल्ड होंगे, मतलब वो लूजली अटैच होंगे और उनको निकालना आसान होगा और आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि एटॉमिक साइज का हुआ। उसके बाद बात करते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि आपको बता दूं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब आपका सीधा सीधा, ये पेनेट्रेट का मतलब बिल्कुल अंदर होना, तो पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपका सेल है वो कितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास है। मतलब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो पहले उसके पास S वाला आता है, फिर P वाला आता है, फिर D वाला आता है, फिर F वाला आता है। यानी कि जो S वाला है सेल वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है और जो F वाला है वो क्या है, न्यूक्लियस से फार अवे है। तो इट मीन्स क्या है कि जो S है उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है और P का कम है। तो पेनेट्रेशन इफेक्ट से सीधा सीधा लॉजिक है कि कौन सा न्यूक्लियस के कितने पास है। तो सबसे पास S है तो S का पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर P है, फिर D है और फिर क्या है, F है। तो F का पेनेट्रेशन इफेक्ट सबसे कम है और F क्या है, सबसे दूर है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन S में प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। जितना जितना दूर चलते जाएंगे जो पेनेट्रेशन इफेक्ट है, मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे और फिर उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा और वो एनर्जी जो है वो कम होगी। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन S में भी है और P में भी है तो S से निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एज कम्पेयर टू P। क्यों? क्योंकि S न्यूक्लियस के पास है और S वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होंगे, जबकि जो P वाले होंगे वो थोड़ा सा क्या होंगे, लूजली बाउंड होते हैं। ये S, P, D, F जो होते हैं वो सेम सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपकी सेल्स नहीं, आपकी सब सेल्स हैं जिनको आपने बाद में ऑर्बिटल का भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे किस तरह से जो ये पेनेट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं। अब पेनेट्रेशन इफेक्ट से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी करवाना चाहूँगी कि जैसे मेरे पास है, एक तो है बेरेलियम, ठीक है, बेरेलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, एक है बोरो जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो पीरियोडिक टेबल में जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब जो बेरेलियम है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी मैंने आपको ऑर्डर गलत लिखा दिख दिया यहाँ पे, बोरोन का साइज छोटा है ना
तो अगर आयनाइजेशन इंथैल्पी की ट्रेंड की बात करते हैं तो बोरोन की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेरिलियम, क्योंकि जिसका साइज छोटा होता है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, बेरिलियम जिसका साइज बड़ा है उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बोरोन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये आप पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेस पे देख सकते हो। आप क्या करो, बेरिलियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालती हूँ 1s2 2s2, ओके, और फिर मैंने बोरोन का निकाला 5 है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2p1। अब इसमें क्या है कि जो बेरिलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है, s में, 2s में, लेकिन बोरोन का कहाँ प्रेजेंट है, 2p में। न्यूक्लियस के पास कौन सा है, s, उसके बाद p, यानी s का जो पेंट्रेशन इफेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। s का पेंट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है तो इसमें s से इलेक्ट्रॉन निकालना है और p का काम है यहाँ से p के, तो इसकी जो है जो s में इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा ये क्या है आपका फुल्ली फील्ड है। फुल्ली फील्ड का मतलब s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दो के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो जो फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड होती है, वो तो आपकी एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो इस वजह से बेरिलियम का जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है बेटा, कि वाई बेरिलियम हैज़ हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू बोरोन, इन स्पाइट बोरोन हैज़ द स्मॉलर एटॉमिक साइज एज कम्पेयर टू बेरिलियम। हम कह सकते हैं कि बोरोन का जो साइज होता है वो बेरिलियम से छोटा है, लेकिन फिर जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो बेरिलियम की क्यों ज़्यादा है, तो उसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और बोलेंगे कि जो बेरिलियम है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है जिसका पेंट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, और बोरोन का पी में जाता है जिसका पेंट्रेशन इफेक्ट क्या है, कम है। अगर पेंट्रेशन इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं और इसमें पेंट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है, और ये फुली फील्ड भी है तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना आपको क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये थर्ड फैक्टर था। अब हम फोर्थ फैक्टर करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखना। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, उसके अराउंड फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल एंड सेवन्थ सेल। अगर इसको बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 जो n की वैल्यू होती है वो ये होती है 1 से लेके 7 तक। अब जो 1 है उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होते हैं, हम कहते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, 2 8 18, फिर आपका 32, इस तरह से करके आप निकाल लेते हो 2n स्क्वायर। ऐसे लास्ट में भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे। तो ये तो रहा आपका न्यूक्लियस, और ये रहे बीच वाले सेल, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले सेल, और ये बाहर वाला सेल रहा। तो जब ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, और जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लगने देते, प्रोटेक्शन कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है अगर वो ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी आपकी, कम होगी। क्योंकि क्या होगा कि सपोज़ करो मेरे पास ये एटम है, इस एटम में यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने निकालना है, तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज से इसको अगर प्रोटेक्ट कर लेंगे तो ये कैसे बाउंड होगा, लूजली बाउंड होगा, और इसको निकालना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। आप कह सकते हो एज शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, अगर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है देन आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, तो जो आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो आपकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ओके। उसके बाद जो इसका लास्ट फैक्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की थी, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपने बेटा क्रोमियम की, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी, इसमें कितना आता है 3d5, लास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्गन 3d5 और यहाँ पे जो ऑर्गन होता है वो 3d कितना हो जाता है, 6 10 हो जाता है। तो 5 और 6 का मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं कि जो
आपका ये 1, 2, 3, 4, 5 जितने ऑर्बिटल हैं सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर जितने ऑर्बिटल हैं सभी में टू टू इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितने आ जाए टू टू। तो जब एक एक आ जाते हैं तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होती है, और जब पूरे आ जाते हैं तो ये कितना हो जाता है फुली फिल्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कन्फिगरेशन होती है जिसकी वजह से जो एटम होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से जो उनकी आनश एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करके दिखाऊंगी। मैं अगर सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन से हैं, लीथियम, बेरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ऐसे मूव आप कर रहे हो ना तो जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है इसमें, अगर आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो 2s2 2p3, और अगर ऑक्सीजन का 8 है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो 1s2 2s2 2p4। तो 2p3 का मतलब क्या है कि पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसमें क्या है 4 है, मतलब एक क्या हो जा रहा है, पेयरिंग हो रहा है। तो ये वाला क्या आ गया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। हाफ फील्ड का मतलब सब में एक एक, तो हाफ फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ जो स्टेबल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन ये क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड से एक ज़्यादा है, मीन्स कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो क्या हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा, और उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। इसलिए ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट वाली वो नाइट्रोजन से कम होती है, हाँ लेकिन सेकेंड वाली इसकी ज़्यादा होती है। जैसे हमने कहा कि अगर नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 2p2, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2p3। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन को क्या मिलती है, स्टेबल कन्फिगरेशन मिलती है, तो सेकेंड वाली जो है वो ऑक्सीजन की आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रेटर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, और स्टेबल कौन सी होती हैं, जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती हैं या एग्जैक्टली फुल फिल्ड होती हैं। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का क्या, जैसे मेरे पास S है, P है, D है और F है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। अब हाफ फिल्ड का मतलब क्या हुआ, अगर S में 1 है, P में 3 है, D में 5 है और ये F में 7 है, तो ये हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन है, और फुल फिल्ड तो यही है। तो उस केसेस में जो आपके एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं, और फिर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, कि जो आपकी आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड में, तो जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर साइज डिक्रीज करेगा तो जितना ज़्यादा छोटा साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन जो इंथैल्पी होगी वो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, थोड़ा सा वहाँ पे जाके इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करोगे आप, साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, फिर उनको निकालना थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड पीरियड की यहाँ पे लेके चलती हूँ, लिथियम, बेरेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लिथियम से बेरेलियम जब हम जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। बेरेलियम टू बोरोन डिक्रीज़ करती है, फिर बोरोन टू कार्बन इंक्रीज़ किया, कार्बन टू नाइट्रोजन इंक्रीज़ किया, फिर नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन डिक्रीज़ कर जाती है, फिर क्या करती है, फ्लोरीन के लिए इंक्रीज़ कर जाती है, और फिर नियोन के लिए भी क्या कर जाती है, आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, लिथियम से बेरेलियम गए तो साइज़, यहाँ पे साइज़ का फैक्टर आता है, साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन जो बेरेलियम टू बोरोन गए तो यहाँ पे क्या होता है, पेनेट्रेशन पावर S की आती है, S की पेनेट्रेशन पावर भी आती है यहाँ पे, और जो S है बेरेलियम का वो क्या होता है, फुली फिल्ड भी होता है, किसका, बेरेलियम का। तो इस चक्कर में बेरेलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है,
फिर बोरोन टू कार्बन गए, साइज डिक्रीज करा, अनाशन एनर्जी बढ़ी। कार्बन टू ऑक्सीजन भी सेम हुआ, लेकिन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जाते हैं तब थोड़ी सी अनाशन एनर्जी डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो उसकी थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर साइज इंक्रीज करा तो फ्लोरीन की बढ़ गई, और नियोन क्या होता है, एग्जैक्टली फुल फील्ड होता है, इसलिए लास्ट में जाती है अनाशन एनर्जी क्या करती है, आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो सिमिलरली आप कह सकते हो कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप। अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, कोई भी ग्रुप ले लो, हेलिना की रूबी संग फ्रेंडशिप की। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो साइज होता है वो साइज आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर साइज क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, तो साइज जितना ज़्यादा होगा उतना जो है लूजली बाउंड होंगे और उनको निकालना आसान होगा। और दूसरा क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। ये दोनों चीज़ें जो डाउन द ग्रुप होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, और इन दोनों चीज़ों के इंक्रीज करने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड हो जाता है, और जिससे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होता है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है डाउन द ग्रुप वो क्या कर जाती है, आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैशियस एटम्स आउटर मोस्ट सेल, कि किसी भी गैशियस एटम्स के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के उसको कटायन बनाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इस वीडियो को देखेंगे बेटा, जो क्वेरीज होंगी वो मेरे से लेंगे और इसको अच्छे से कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मेरे से पूछ लेंगे। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।